अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आए हैं। इसका नाम है जैपनीज़ वेजिटेबल एग फ्राइड राइस। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा। इसके लिए आपको चाहिए 1 पाव 250 ग्राम मटर के दाने, 250 ग्राम 1 पाव गाजर, और तकरीबन एक इस साइज़ का छोटा बहुत बारीक कटा हुआ प्याज, और 2 अंडे, और 1/2 कप ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल हम सबसे पहले इसमें डालेंगे। वेजिटेबल ऑयल हमने डाल दिया। अब इसमें प्याज जाएगा, प्याज को हमने फ्राई नहीं करना, बस इसमें डाल देना है ऐसे। फिर ये कैरेट, गाजर, ये गई, और अब इसमें पीस मटर ये डाल दिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1/2 स्पून जो है वो हल्दी, एक चाय का छोटा जो चम्मच है वो हल्दी का, इसी तरह बस 1-2 चुटकी चीनी, और तकरीबन 2 स्पून हो जाएंगी नमक। ये दो से तीन स्पून नमक आप अपने हसबे जायका डाल सकते हैं। अब हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे ताकि ये सब्जियां जो हैं ये अपने ही पानी में गल जाएं। ये हमने सब्जियों को 15 से 20 मिनट के दरमियान तकरीबन रखा है, अब ये बिल्कुल अपने ही पानी में गल गया। हमने इसको ऊपर आओ ज़रा, ये इनके अंदर हमने कोई पानी नहीं इस्तेमाल किया, और ये देखिए इनका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। मटर और गाजर दोनों अपने कलर में है। और इस टाइम में हमने 2 ग्लास चावल, उन्हें 15 मिनट भिगोने के बाद, ये बासमती चावल है, बॉयल कर लिया। और बॉयल इसके ऊपर बॉयल करने में आप ये ख़ास बात याद रखें कि हमेशा जब उबलते हुए पानी में चावल डालें उसमें नमक डालें, और उसमें सिरका जो है 1 या 2 टेबल स्पून डाल दें चावल की मिकदार के। हमने इसमें 1 टेबल स्पून सिरका डाला था। ये देखें कितने निखरे निखरे हैं, ये बासमती चावल है लेकिन बहुत ज़्यादा निखरे। जब एक कनी रह जाए तो इनका पानी निकाल के, इनको यूँ आप निकाल के रख लें। अब ये हमारी ये तैयार हो चुकी हैं तकरीबन। तो इंग्रेडिएंट देखो, फिर सुन लीजिए। इसमें हमने डाला है 1 पाव मटर के दाने, 1 पाव गाजर मटर के दानों के बराबर ही कटी हुई बारीक, और 1 छोटी प्याज बारीक कटी हुई, और इसमें 2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी, और उसमें फिर हमने इसको इसी के पानी में गला लिया। अब हम इसमें 2 अदद अंडे फेंट के, अच्छी तरह फेंट के इसमें डालेंगे, और आग थोड़ी सी तेज़ कर देंगे, और इसके साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे, इसको हिलाते रहेंगे। जी अब ये अंडा इसमें हो चुका है मिक्स, फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें जो है 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे। ये हसबे जायका है, अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब ये इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हो चुका है, आँच हम इस बंद कर देंगे, और अब इसमें हम बॉयल चावल डालेंगे और इसको ऐसे ही मिक्स कर लेंगे जैसे बिरयानी को मिक्स करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ये बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत डिश तैयार है। इसको अब हम 5 मिनट के लिए जो है वो रख देंगे दम पे। हो चुका है तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी डिश तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, इस पर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा ये, और ये जी हमारी डिश हो गई, मज़ेदार डिश तैयार। अगर आपको ये पसंद आई है, ये ज़रूर पहले आज़माइएगा, पसंद आई तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये डिश ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि ये स्पाइसी नहीं है और बच्चे स्पाइस नहीं खाते। आप एक दफ़ा खाइए, बनाइए, खाइए, आप बार बार इसको बनाएंगे।